आज हम आपको बिल्कुल न्यू रेसिपी दिखला रहे हैं। तो ये हमारा पालक पनीर पराठा है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत हेल्दी भी है। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो ये हमारा 250 ग्राम पालक है जिसे हमने धो के साफ़ कर लिया है और इसे हम 1 कप पानी के साथ 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। बिल्कुल पत्ते को सॉफ्ट होने के लिए बॉयल करेंगे 5 मिनट के लिए। तो हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है और जिसमें हमने 1 कप पानी डाला था। तो इसे हम अब गैस पे चढ़ा लेंगे। और अब हम इसे गैस पे हमने चढ़ा दिया है और इसे ढक के 5 मिनट बॉईल कर लेंगे। इसमें हमने कोई नमक और मसाला नहीं डाला है और इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो ये पालक बॉईल हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पालक का पेस्ट तैयार किया है और ये जो पानी बचा था इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये हमने गेहूं का आटा लिया है जो 1/2 kg है और इसमें हमने अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक डाला है। एक चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम इस पालक के पेस्ट से गूंदेंगे। तो इसे हम पालक के पेस्ट से ही गूंदेंगे और ये 250 ग्राम में पालक में आधा किलो आटा बहुत आसानी से गूंद जाता है। अगर आपको कम पड़ता है तो ऊपर से पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल अच्छे से गूंद चुका है ये। अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए ढककर। तो इधर हम स्टफिंग तैयार करते हैं पराठे का। तो ये हमारा 250 ग्राम पनीर है जिसे हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। और ये सारा पनीर कट चुका है। तो एक पैन को हम गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। बस ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम जीरा डाल लेंगे। जीरा भुन चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ी हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। 1 हरी मिर्च बड़े साइज़ की हमने डाला है और 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। इसे भी हमें 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनना है। इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो ये प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो हमने पनीर काट के रखा था उसे भी हम डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर जितना भी तीखा पसंद है उसे साफ डाल लेंगे और बारीक कटा हरा धनिया। और ये हमारा पनीर रेडी है। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी है और ये आटा भी तैयार है।
तो आइए हम इसका पराठा बना के दिखाते हैं। और ये पालक पनीर पराठा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और यूनिक रेसिपी है। आप इसे नाश्ते में सुबह के टाइम बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसे बच्चे बड़े सब बहुत चाव से खाते हैं। तो आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें। और इस तरह से इसे मोड़ लेंगे और इसे हाथों से दबा लेंगे। और पहले हम इसे दबा के फैला लेंगे अच्छी तरह से, फिर इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। और ये देखिए, इसे हमने बेल लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। और इधर हमने तवा को गर्म करके रखा है, तो आइए इसे सेक लेते हैं। दोनों साइड से हम घी लगा के सेकेंगे, देसी घी, अगर आप चाहें तो रिफाइंड भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठा बनता है, आप इसे ज़रूर ब्रेकफास्ट में बनाएं। दोनों साइड से सेक लेंगे और अभी से देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। ये देखिए, इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, अच्छी तरह से सिक जाता है। ये पराठा बिल्कुल रेडी है और ये देखिए फूल भी गया है अच्छे से, तो इसे हम निकाल लेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। हमने इसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है जो बहुत चटपटी है। तो ये अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं उनको इस तरह से आप बना के खिला सकते हैं और ये फटाफट बन जाता है। बहुत इजी रेसिपी है और आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हैं और हेल्दी भी काफ़ी है। तो आप इस तरह से घर पे बनाइए ज़रूर। और ये आज का वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिए।